हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। दोस्तों गाइस, अगर आपके पास Redmi Note 8 है और आप Redmi Note 8 के अंदर गूगल कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे इंस्टॉल होगा, कौन सा गूगल कैमरा आपके Redmi Note 8 के लिए परफेक्ट है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आपको एक फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए मैं 2-3 सर्वर दे दूंगा, अगर एक सर्वर से डाउनलोड ना हो तो दूसरे सर्वर का इस्तेमाल कर लेना। यहां पर फाइल है, फाइल पर आपको टैप करना है और इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना है और जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। बीच में हो सकता है अननोन सोर्स अलाउ करने का ऑप्शन आए तो आप प्लीज उसको अलाउ कर देना। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं जो गूगल कैमरा दिखा रहा हूं, इस गूगल कैमरा में नाइट मोड नहीं काम करता है, ठीक से क्रैश हो जाता है। बट इन फ्यूचर जब मैं आपको कोई और अपडेट दूंगा इसका, या फिर मान लो कि मुझे कोई और अपडेट मिलेगा, तो मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेंज कर दूंगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट वाला अपडेट मिले। सो आप टेंशन मत लेना, इस वीडियो में मैं जो है आपको नाइट मोड तो नहीं दिखाऊंगा बट नाइट मोड छोड़ के बाकी सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो यहां पे गूगल कैमरा हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है Redmi Note 8 में। यहां पे ऑप्शन मिल जाता है लेंस ब्लर का, पैनोरामा का, पोर्ट्रेट का, कैमरा का, वीडियो का, मोर का। मोर के अंदर जाएंगे तो जैसा कि आपको मैंने कहा नाइट मोड का ऑप्शन तो है बट वो काम नहीं करता है। नाइट मोड है, फोटो स्फीयर है, उसके बाद फोटो बूट है, स्लो मोशन है और सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में आपको कुछ अभी करना नहीं है क्योंकि अभी जो है गूगल कैमरा का बेस्ट वाला वर्जन नहीं आया है आपके डिवाइस के लिए। सो आप जो है अभी वाले वर्जन पे कुछ खास कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। जैसे ही बेस्ट वाला आएगा मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि क्या कुछ कस्टमाइजेशन आपको उसके अंदर करने हैं, कौन कौन से फीचर आप उसमें एड कर सकते हो। सो यहां पर सीधे आगे हमारा गूगल कैमरा। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं कि जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि गूगल कैमरा वर्सेज स्टॉक कैमरा क्या फर्क होता है। वैसे फर्क तो बहुत ज्यादा होता है बट जरूरत है कि एक सही गूगल कैमरा आपको मिले। सो गाइस, सैंपल के साथ हम लोग आ चुके हैं। अब आप ये फोटो देखेंगे तो मैंने काफी दूर के लॉन्ग रेंज की फोटो ली है और सबसे आखिर में जो मस्जिद है लास्ट में आपको दिख रहा होगा फ्रेम में, भले ही मेरा फोन बढ़िया से ना रिकॉर्ड करे आपको जो दिख रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से दिख रहा है यहां पर जो है। अब लाइक ये घर है, ठीक है, तो इस घर के आप देख सकते हो गेट पे भी मैंने जूम कर दिया और काफी हद तक जो है जूम हो रहा है गूगल कैमरा के शॉट से। ये रूम के अंदर ली गई एक फोटो है, इसमें आप देख सकते हो कि फेस पर लगा एक एक पिंपल जो है साफ से दिख रहा है गूगल कैमरा में, ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरे हाथ की फोटो है जो लो लाइट में ली गई है। अब देखो यहां पर पीछे का जो हिस्सा है उसको पूरा इसने ऑटोमेटिक ब्लर कर दिया है जबकि मैंने ब्लर यूज भी नहीं किया था। तो ये क्वालिटी होती है गूगल कैमरा की। अब किसी को हाथ पढ़ना आता हो तो मेरी भी रेखा देख के बता देना। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अपने सामने वाले शेल्फ की फोटो ली है तो आप यहां पे देख सकते हो कि फोन्स जो है वो आपको दिख रहे होंगे, लाइक Redmi Note 4, Note 5 Pro, Note 6 Pro, Note 7S, Note 7 Pro, Note 8, Note 8 Pro। सो गाइज, ये वो सारे डिवाइस हैं जो मैंने परचेस किए हैं वीडियो बनाने के लिए, जिसकी वीडियो आप लोग आए दिन देखते रहते हो चैनल पे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई डेडिकेटेड वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बनाऊं। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना।